तो अभी हम लोग पेट्रोल डला के आ चुके हैं यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि बारिश रोज हो रही थी और कुछ ऐसे ही मौसम भी ख़राब था तो नहीं बना पाया। अब आप लोग रोज़ देख सकते हैं मेरा नया ब्लॉग। तो आज दीपावली की तैयारी शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे आज से ही। तो आज थोड़ी स्कूटी की सफाई की है, धीरे धीरे ऐसे ही करते रहेंगे। दीपावली के दिन ही थक जाना होता है इसलिए अभी पहले से ही काम शुरू कर दिया है हम लोगों ने, खासकर मैंने। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे शुरू किया है मैंने। तो थोड़ा सा इसको मैंने धुल दिया है, इसको धुलने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं लगती पर थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद धुला है मैंने इसको। हेलमेट भी गंदा हो चुका है थोड़ा बहुत रखे रखे, इसको भी धुल देते हैं। इसको धुलते हैं। ब्रश से इसमें शैम्पू मिला के हेलमेट को अच्छे से रगड़ रगड़ के धुल रहा हूँ मैं। वाइट है तो थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है पर साफ हो जाएगा। तो धुल चुके हैं हेलमेट को और अब चलते हैं लगा के देखते हैं बढ़िया कहीं मेरा सर बड़ा तो नहीं हो क्या इससे। नहीं यार एकदम कंफर्टेबल है। दोस्तों मुझे बहुत दिन हो गए कहीं गए तो आज चलते हैं कपड़ा चेंज करके घूम के आते हैं और ऐसी स्कूटी में पेट्रोल भी लगा लेंगे। नॉर्मल टी शर्ट और लोअर पहन लिया जो घर पे पहनते हैं, यही विश्वनाथ मार्केट है जो हमारी, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। तो चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं फिर। तो अभी हम लोग पेट्रोल डला के आ चुके हैं यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर पे। सही नदी है ये और यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं घर। तो अभी हम घर पहुँच चुके हैं और कुछ सामान भी लाया हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये नारियल वाला बिस्किट लाया है मैंने और ये पतंजलि वाला बिस्किट दूध वाला चाय खाने के लिए और ये सूजी का टोस्ट। मैं हिसाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मम्मी मेरा ब्लॉग देखती हैं तो उसी में हिसाब उनको मिल जाएगा। 490 रुपए का पेट्रोल डलाया है, 180 रुपए का टोस्ट और बिस्किट है और 20 रुपए का समोसा है। जो ये रहा 20 रुपए का चार समोसा, हमारे यहाँ 5 रुपए का एक समोसा मिलता है, आपके यहाँ कितने का मिलता है बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों चलिए खाते हैं। अब मैं मिर्ची खाऊँगा, मिर्ची ठीक है, तीखी है, अच्छी है, तीखा लग रहा है, समोसा खाता हूँ। कुछ ज़्यादा तीखा है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ खेत में धान में कलियाँ आ चुकी हैं, धान उसमें निकल चुका है, अब पकने बाकी है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए धान में कलियाँ आ चुकी हैं, इसको फली बोलते हैं। और ये देखिए पूरे खेत में हो चुका है और अब दीपावली के आसपास ही कटाई होती है इसकी, पकेगी तभी कटाई होगी, अभी कच्ची है थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों अब चल रहा हूँ मैं भोजन करने। तो आज भोजन में है आलू मटर गोभी की सब्जी, रोटी और ये मठेऊ। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लग रहा है, आप लोगों की मम्मी भी अच्छा खाना बनाती होंगी, मेरी मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आरती देखने, दुर्गा आरती नवरात्र की लगी हुई है तो चलिए आपको दिखाते हैं। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। जय लक्ष्मी माता मैया जय
तो दोस्तों ऐसे वहाँ आरती हो रही थी इसलिए मैं कुछ बोला भी नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए और एक लाइक करिए अगर अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।